भारत एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति और इतिहास इतना महान है कि इनके ऊपर हजारों मूवी बनाए जा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू क्या होता है, महाभारत, रामायण और कई ऐसे युद्ध जो सत्य त्रेता द्वापर में लड़ी गई, वहीं कलयुग जाना जाता है दशराजन, हाइट स्पीच, सेल्यूसिड और कलिंग युद्ध के लिए, जिसपे ये मूवी बेस्ड है। मराई मतलब भविष्य, जापानीज अनुवाद। अपकमिंग पैन इंडिया मूवी बेस्ड ऑन सम्राट अशोक टाइम, लगभग आज से 261 बीसी पहले की कहानी होने वाली है, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1,50,000 से ज्यादा लोगों को बंधक बना के रखा गया था, जो कि बुद्धिस्ट राजा थे। इन्हें सम्राटों का सम्राट कहा जाता है, जो कि तीसरे मौर्य अंपायर थे। और कहानी जुड़ी है कालिंग युद्ध से, मतलब मागधा और पाटलिपुत्र, करंट नेम बिहार और पटना। इस मूवी में नौ रहस्यमय की कहानी होने वाली है, जो कि जादुई किताब है जो इंसान को भगवान बना सकती है। साथ ही इनके नौ रक्षक जो रक्षा करते हैं इस शक्ति की काली शक्तियों से। और आ चुका है ग्रहण जो पाना चाहता है नौ रहस्यमय जादू ताकतें। अब ये कौन है और इसका क्या कनेक्शन है इस मैजिकल वर्ल्ड से, और रवि तेजा इसे कैसे रोकेगा, वो देखने वाली चीज होगी। नो डाउट इसका ग्लिम्स लिटरली फुल स्पिरिचुअल और एक्साइटमेंट से भरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इसका बीजीएम हिला देती है, संस्कृत वाइब, शिव तांडव वर्स, फुल चार्जेबल, डायरेक्टेड बाय कार्तिक भाई। साथ ही इस मूवी में ऋतिक नायक फीचर है, तेजा साजा महायोद्धा है जो कि दुनिया को सेव करेंगे एक डार्क और डेंजरस एंटिटी से। इस ग्लिम्स में मल्टीपल ऐसे सीक्वेंस है जो कि नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने में कामयाब रह रही है। हिमालय सीन्स, वहीं एक्शन सीक्वेंस खतरनाक लेवल की वाइब दे रही है, नॉर्मल लेवल ऑफ ब्रूटल। और इसका सिनेमेटोग्राफी भारतीय, जैपनीज, नेपाली और चाइनीज मिक्स्ड है। और सबसे अट्रैक्टिव चीज ग्रहण सीक्वेंस, जो कि ये दर्शाता है मानव जाति के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस ग्लिम्स में बुद्धिस्ट स्टैचू, जैपनीज फाइट सीक्वेंस, भारतीय अंदाज और नेक्स्ट लेवल सस्पेंस नजर आ रही है। रिलीज डेट 2025। वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग सीक्वेंस, ए बंदा है कौन, विलन या सम्राट अशोक, नंगे पैर और अकेले सोपे भारी। सो ऑल ओवर ग्लिम्स अट्रैक्टिव है और मजेदार है, जो बेसिक ऑडियंस को पसंद आएगी। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले, और बताएं कि आपको डायरेक्टर की सोच कैसे लगी। और ये मूवी जो पूरी तरीके से बेस्ड है इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी मूवी और बननी चाहिए या फिर रीमेक बननी चाहिए। शुक्रिया।